पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत इनकी उपस्थिति में आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पालक मंत्री राउत ने कहा कि 31 मार्च के बाद शहर में किसी भी तरह के स्थानीय निर्बंध नहीं रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियम शहर में लागू रहेंगे। नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा आढ़ावा बैठक ली गई, जिस दौरान राउत इन्होंने पत्रकारों से कहा कि शहर के नागरिकों द्वारा कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है, उसके लिए शहर के नागरिकों का धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही राउत बोले कि शहर में लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है और सतर्कता बरतना यही उचित है। साथ ही टीकाकरण इस पर एकमेव उपाय है, इसलिए टीकाकरण का लाभ नागरिकों ने अवश्य लेना चाहिए। पहले तो मैं नागपुर जिले के तमाम हमारे सम्माननीय नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा यह समय हमें बड़े अच्छे से गुजारने में मदद की है। बहुत बड़े पैमाने पे हमारा वैक्सीनेशन भी हो रहा है, 250 के आसपास सेंटर पूरे जिले में चल रहे हैं और तकरीबन अच्छे इससे हम यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी कमी ये होली के वजह से आई, वो भी शायद कल से दूर होगी। कल से हम 45 साल के ऊपर जितने भी हमारे नागरिक हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन करने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले महीने डेढ़ महीने के अंदर हमारा जो टारगेट है यहाँ का वो टारगेट हम पूरा कर लेंगे। समस्या है नागपुर में बेड मरीजों को नहीं मिल रहा है। बेड की समस्या के बारे में मैं अभी खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह जा रहा हूँ, दोनों जगह व्यवस्थाएं देखने वाला हूँ। साथ में हमने ग्रामीण इलाकों के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, तहसीलदार तालुका लेवल पर रहेगा, जिला लेवल पर उप जिलाधिकारी रहेंगे, महानगर पालिका क्षेत्र में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर श्री जलाल शर्मा जी ये कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और हम बेड मैनेजमेंट को ठीक ढंग से करेंगे। साथ ही शहर में जिला प्रशासन के नियम नहीं रहेंगे और राज्य सरकार के नियम शहर में लागू होंगे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।